So I have my AITS exam in just next 7 days. ये वो 7 दिन हैं जो डिसाइड करेंगे कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ AITS एग्जाम में। एग्जाम से पहले लास्ट के कुछ दिन बहुत क्रूशियल होते हैं एंड सब सोच रहे होंगे कि क्या स्ट्रेटेजी है एंड क्या मैं रेडी हूँ। लेकिन बिफोर दैट आई हैव टू वेक अप। ये 7 दिन में अगर कुछ गलती हुई तो सब बेकार, लेकिन अगर प्लान परफेक्ट हुआ तो रिजल्ट भी परफेक्ट आ सकता है। आज मैं अपना टाइम टेबल शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद बनाया है एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ। सबसे पहले चीज जो मैंने रियलाइज की कि लास्ट 7 डेज में हम रेंडमली तो नहीं पढ़ सकते, इसके लिए हमारा डेली का कुछ टारगेट्स होने चाहिए। सो मैंने अपने बचे हुए 7 डेज को डिवाइड किया है अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। Day 1 से लेकर Day 3 तक प्योर बेसिक्स पे फोकस, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स का रिवीजन और वही क्वेश्चंस जहां मैंने गलती की थी। ये वो दिन है जिसमें एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना जरूरी है, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग बेस के टॉप पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। इस वक्त डिस्ट्रैक्शन को हटाना भी सबसे जरूरी है, इसलिए फोन ऑफ, नोटिफिकेशन ऑफ, क्योंकि लास्ट के ये दिन कोई टाइम वेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। Day 4 और 5 सबसे ट्रिकी सब्जेक्ट्स का टाइम। ये वही दिन है जिसमें दिमाग को चैलेंज करना है, डिफिकल्ट टॉपिक्स रिवाइज करना और नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। लेकिन ये दिन स्ट्रेसफुल भी हो सकते हैं और ये टेंशन भी बढ़ाता है। सो दिस इज द टाइम जहाँ पे आपको स्ट्रेस मैनेज करना सीखना पड़ता है। अगर इस फेज में पैनिक कर दिया तो सारा शेड्यूल खराब हो सकता है। सो बी काम, गिव योर 100% विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। Day 6 और 7, दीज आर द मॉक टेस्ट डेज। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना और अपने आप को टेस्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वो दिन होते हैं जिसमें परफॉर्मेंस को फाइनल टच मिलता है। एंड मैं ट्राई करूंगा कि अपने लास्ट 7 डेज में मैं हर चैप्टर के 50+ PYQs तो जरूर प्रैक्टिस करूँ। बाकी आप लोगों की लास्ट 7 डेज की स्ट्रेटेजी क्या है वो मेरे को कमेंट्स में जरूर बता देना। लास्ट के 2 दिन ये डिसाइड करेंगे कि एग्जाम में मैं किस पेस से परफॉर्म करूंगा। स्पीड, एक्यूरेसी, कॉन्फिडेंस, सब कुछ यहीं से आता है। ये 7 डेज का टाइम टेबल रिस्क है, बट अगर फॉलो कर लिया तो रिजल्ट जरूर आएगा। अब क्वेश्चन ये है, क्या मैं ये 7 दिन परफेक्ट फॉलो कर पाऊंगा या फिर कुछ रह जाएगा, वो पता चलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो अगर तुम लोग भी AITS दे रहे हो तो एक बात ध्यान रखना कि लास्ट के 7 डेज डिसाइड करते हैं कि तुम्हारी मेहनत का रिजल्ट क्या होगा। एंड मेक श्योर कि तुम अपना 100% दो। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।